लोकसभा चुनाव 2019 में हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों ने हाई कोर्ट में शरण ली है। कांग्रेस प्रत्याशियों की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक, शहडोल से हिमाद्री सिंह, टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार, होशंगाबाद से उदय प्रताप सिंह और सागर से राज बहादुर सिंह को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में कुल 9 चुनाव याचिका दायर की गई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि वीवीपैट की पर्चियों और ईवीएम के वोटों की गिनती में रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ी की है। वहीं लोकसभा सीटों पर मतगणना के दिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज निकली, जो कि संभव नहीं है। ऐसे तमाम आरोपों को लेकर इन चुनाव याचिकाओं को दायर किया गया है।